हेलो फ्रेंड्स, अनेक अनेक धन्यवाद आप सभी का इस बुक को इतना लाइक करने के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बुक के वीडियो का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। कुछ स्टूडेंट तुरंत मेरे द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का रिप्लाई करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट मुझे अपनी राय पेश करते हैं। जैसे एक है मिस्टर शुभंदु, इनका मानना ये था कि सर, इस बुक में जो स्टेट वाइज जो जीके दे रखी है, यूपी महाराष्ट्र, आप स्टेट वाइज एक इंडिविजुअल वीडियो बनाना। इनका भी कहना सही था, ठीक है, अलग डेडिकेटेड स्टेट से लेकर के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने कमेंट बॉक्स में ये कहा, मैं इस पर थोड़ा सा अभी विचार कर रहा हूँ, फाइनली क्या डिसाइड करना है वो मैं उसके बारे में आपको कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। और देखिए, कुछ स्टूडेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं कि तुरंत मुझे रिप्लाई करते हैं 71%। मुझे खुद याद नहीं कि मैंने 71% पूछा क्या आपसे, क्योंकि इतने कंटिन्यू वीडियो बन जाते हैं, टाइम बहुत कम मिलता है, हम लोग बहुत कुछ स्किप भी कर जाते हैं माइंड से। जैसे प्रिया के नाम से, दिनेश के नाम से, बबलेश के नाम से, भूपेंद्र कुमार ने एक रिप्लाई करा था, फिर राकेश बैरवा। तो ये कुछ सब्सक्राइबर हैं जो इस बुक का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिप्लाई करने के लिए। उन सभी को मेरी ओर से अनेक अनेक धन्यवाद। तो विदाउट एनी डिले शुरू करता हूँ मैं आज का अपना ये वीडियो, और लेके बैठ जाइए इस बुक को फटाफट से और उठाइए अपना क्या हाइलाइटर या फिर पेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ हम कवर करेंगे आज पर्यावरण से संबंधित, पुरस्कार सम्मान से संबंधित एवं मानव शरीर के टॉपिक, क्या क्या हम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है रेलवे डिपार्टमेंट। देखिए, रेलवे की वैकेंसी इस बार बहुत स्ट्रांग आने वाली है। स्ट्रांग बोले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा तादाद में आपके सामने वैकेंसी निकल के आने वाली है, लेकिन आपको चाहिए केवल एक पोस्ट। जितनी भी वैकेंसी आएगी और बच्चे कितने फॉर्म भरने वाले हैं, उनको टक्कर आपने देनी है। उनसे बेहतर आपको इस एग्ज़ाम में साबित करना है अपने आप को। साबित करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। दिन रात मतलब ये नहीं कि 24/7 आप कंटिन्यू बुक के आगे अपनी आँख गड़ा करके बैठे रहें, ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको। आपको कम पढ़ना है, मैक्सिमम रिविज़न करना है। अब मैं शुरू करता हूँ अपना ये वीडियो। देखिए, पर्यावरण एक्चुअली अपने में एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम छोटे से चंद 30 या 20 मिनट के वीडियो में हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको केवल क्या चीज़ें पढ़नी है हम उस पर फोकस करते हैं। देखिए, वायुमंडलीय जो दाब है वो मापा किससे जाता है, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हमको देखो, कुछ ना हमको स्टैंडर्ड जो यंत्र होते हैं, मापक यंत्र वगैरह होते हैं, वो हमको पता होने चाहिए। अगर आपने लूसेंट बुक सेल्फ स्टडी कर रखे तो वहाँ पर आपको इसका आंसर पता होगा। यहां पर अगर डिस्प्ले पे आपने ये क्वेश्चन देखा तो मैं श्योर करता हूं आपको, डैम श्योर कि आपको इसका राइट आंसर आता होगा। अगर आता है तो प्लीज इसको आप कहीं पे भी पेन डाउन मत करना, हो सके तो बुक में भी आप इसको हाईलाइट ना करें तो भी चलेगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वो होता है बार। मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा क्योंकि काफी बेसिक क्वेश्चन है, अब इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी वायु होती है, वायु एक्चुअली होती क्या है। वायु में बात करी जाए तो वायु में काफ़ी सारी गैस पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं गैसों का मिश्रण। इसमें आपके नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है एंड कार्बन होती है। कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वायुमंडल में या वायु में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन का भी ऑप्शन देगा, वहाँ पर आपको नाइट्रोजन का भी ऑप्शन देगा, वहाँ पे आपको कार्बन का भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। बट आपको याद रखना है 78% नाइट्रोजन की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर पूछता है वायु में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। अब आगे हम बात करते हैं, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी होती है, तो वो होती है आर्गन या फिर ऑर्गन। आगे हम बात करते हैं। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है वो कौन सी होती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है शोभमंडल। और बात करें वायुमंडल की सबसे टॉप लेयर कौन सी होती है, सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है आपकी बाह्य मंडल, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। तो एग्जाम में आपको बाह्य मंडल दे सकता है या फिर बहिर्मंडल दे सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपने यहाँ पर ये नहीं कि बस बहिर्मंडल पढ़ लिया, माइंड में छाप लिया और वहाँ मिल गया आपको ऑप्शन में बाह्य मंडल। बाह्य का मतलब होता है सबसे बाहरी परत जो होती है, बाहरी जो लेयर होगी उसको बोलेंगे बाह्य, राइट। आगे बढ़े। अब देखिए, शोभ मंडल में प्रति मतलब 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटेगा कितना, कितना डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस। देखिए, सेंटीग्रेड सेल्सियस में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट हमारी ओल्ड लैंग्वेज थी, अब उसमें कन्वर्ट हुआ, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको जरूरत नहीं बताने की। आप सेंटीग्रेड बोलते हैं या फिर सेल्सियस बोलते हैं, नो इशू।
देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा 165 मीटर पे होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 1 किलोमीटर पे होगा हमारा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं, देखिए मौसमी जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, तेज तूफान चल रहा है, जो बादल वगैरह बनते हैं, जहाँ से टिप टिप पानी बरसता है ऊपर से, ये सब जो एक्टिविटी होती है, मौसम से संबंधित एक्टिविटी जो भी होती हैं, वो कौन से मंडल में होती हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। लैंग्वेज सेंटेंस वो क्वेश्चन से किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मौसम से संबंधित जो भी आप गतिविधि देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो वो सब जो बनती है वो बनते हैं आपका शोभ मंडल में। आगे हम बात करते हैं उल्का से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी होती है, कहाँ पे होती हैं, तो ये सब घटनाएं होती हैं आपका मध्य मंडल में। आगे बात करते हैं जो हमारे एयरप्लेन वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं वो कौन सी लेयर में चलते हैं, वो चलते हैं समताप मंडल में। अब देखिए रेडियो तथा संचार संबंधित जो भी एक्टिविटी होती हैं, रेडियो जो हमारा प्रसारण होता है, जहाँ से वो रेडिएशंस वगैरह जो निकलती हैं, ये सब जो इंस्टॉलेशन वगैरह होती हैं, जहाँ से ये चीज़ें चलती हैं, जो ये सब चलती हैं आपकी आयन मंडल से। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। ठीक है, ऊर्जा का जो मेन स्रोत है जीव मंडल पर वो क्या है, वो है आपका सॉरी सूर्य, और संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा कहाँ पे होती है, देखिए एग्जाम में अधिकतम की प्रायोरिटी भी बहुत अधिक है। ठीक है, अधिकतम जो रेन होती है वो होती है आपका विषुवतीय क्षेत्रों में। संवहनीय वर्षा पूछे, अधिकतम वर्षा पूछे, वर्षा से संबंधित कोई भी वर्ड आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है विषुवतीय क्षेत्रों में। आगे बढ़े, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं आपसे कि पछुआ हवा कहलाती है क्या, तो पछुआ हवा कहलाती है आपकी गरजता चालीसा। तो गरजता चालीसा किस प्रकार की हवा को कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, तो आपको याद रखना है पछुआ हवा को। देखिए आगे हम बात करते हैं कि जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना परसेंट है, वो है 2.5%, और नाइस, स्लेट और संगमरमर ये किस प्रकार की चट्टाने हैं, ये हैं आपके रूपांतरित या कायंत्रित चट्टाने। ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है, तो ये होती है आपकी डॉप्सन। और इसी के साथ एक क्वेश्चन हाईलाइट करने से रह गया, वो है आपका ओजोन परत, वो क्या है ओजोन परत, तो इसको भी आप एक बार हाईलाइट जरूर कर लेना बुक में अपनी। तो इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, मतलब उसको निचोड़ लेता है, उसको समाप्त कर देता है, तो वो होता है आपका ओजोन परत। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है, वो होती है आपके CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए इसके बाद में आपसे बात करता हूँ पुरस्कार और सम्मान के बारे में। जी हाँ, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना पूछे तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी उनके साथ जिनको इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। तो पुरस्कार भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, तो वो होता है आपका भारत रत्न। जी हाँ, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, वो होता है भारत रत्न। आगे बात करते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये थी इंदिरा गांधी, और इनको ये पुरस्कार मिला था 1971 में। अब देखिए मरने के बाद जो भारत रत्न जो प्राप्त हुआ वो प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। ठीक है, याद रखना सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, प्रथम भारतीय व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी, और मरने के बाद जो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री थे ये थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। उसके बाद में क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे इनकी जो कहानी है ना, इनकी अगर आप स्टोरी देखेंगे, जय जवान जय किसान जो नारा दिया था वो इन्होंने दिया था, तो और इसी के साथ में एक सीरीज आई थी एबीपी न्यूज़ में प्रधानमंत्री के नाम से। ठीक है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी ना तो आप यूट्यूब में सर्च मारना कभी ऐसी, मतलब कभी संडे इंजॉय करने के लिए ना, तो ये सीरीज देखना, आपके पास सब प्रधानमंत्री की जो भी क्वेरी वगैरह होंगी ना, पूरा का पूरा आपका एक एक डाउट इस एपिसोड के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, तरीके से समझा रखा है।
ठीक है। अब मैं बुक से बाहर नहीं जाऊंगा ज्यादा डिटेल में, अब फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं आपकी अरुंधति राय, अरुंधति राय, और इनको ये मिला था 1997 में। आगे बात करते हैं, देखिए कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, किरण बेदी, 1994 में इनको ये पुरस्कार मिला था। बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है कृषि में से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला हैं डॉक्टर अमृता पटेल, और ग्रैमी, आपने वो गाना सुना होगा शायद, उसका हनी सिंह का गाना है ना, उसमें एक वर्ड यूज करता है वो ग्रैमी ले आऊंगा, तो ग्रैमी जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, पहला पॉइंट ये, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ग्रैमी पुरस्कार कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है आपका संगीत के क्षेत्र से संबंधित, और ये पाने वाला प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी, व्यक्ति आपको चलिए पता, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फिलहाल, वो थे ग्रैमी, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्ण देवी। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, रीता फारिया, ये थी मिस वर्ल्ड, और मिस यूनिवर्स की बात करी जाए इनका नाम था सुष्मिता सेन, जो बनी थी 1994 में। अब देखिए एक पुरस्कार है आपके सामने, तानसेन पुरस्कार, तो ये जो है पुरस्कार ये संबंध रखता है मध्य प्रदेश राज्य से, तानसेन कौन थे, संगीतज्ञ थे वो, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, ये प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। देखिए मैंने इस पेज में थोड़ा कम कर रखा है हाईलाइट, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है बस, आप देखिए सारा याद कर सकते हैं अगर आप रेलवे के अलावा कोई और एग्जाम देते हैं, रेलवे के साथ साथ अगर आप कोई और एग्जाम देते हैं, जैसे कि आप स्टेट पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी वगैरह का 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने हाईलाइट नहीं करे हैं उन पर भी आप अपना फोकस बनाए रखना, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काफी बेसिक क्वेश्चंस है, इनको करने के बाद में आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसके बाद में आप कोई भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एक तो होता है कि एग्जाम फॉर्म भरना है, ठीक है, फॉर्म भर दिया, पढ़े लिखे कुछ है नहीं, चले गए एग्जाम देने के लिए, अगर तफरी टाइप स्टडी हो रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर वो हर एक फॉर्म भरते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सिलेबस पर फोकस करिए, थोड़ा सिलेबस देखिएगा, सिलेबस चेंज है, जैसे एसएससी का स्टूडेंट अगर बैंकिंग का एग्जाम दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं सिलेबस ना खिलवाड़ कर रहा है, ना उसका वो सिलेबस हो पाएगा ना फिर बैंकिंग का सिलेबस हो पाएगा, तो सिलेबस अगर सेम मिलता है कहीं से आपको तो उसका फॉर्म आप भर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ऐसा है। बाकी देखिए आपको जो सही लगता है वैसा करिए। अब हम बात करते हैं फिलहाल मानव के शरीर में, अब जब हम देखते हैं कि मानव के शरीर में क्या क्या चीजें हैं, अब देखिए हम बात करते हैं कि जो हमारा जो दिल होता है, हृदय होता है, वो धक 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 करता है ना, कितनी बार, कितने 1 मिनट में कितनी बार हमारा हृदय जो होता है धड़कता है, काफी बेसिक क्वेश्चन है ये, रियल में बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, है आपका 72 बार। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना ग्राम होता है, वो होता है हमारा 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक के बीच में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार हाईलाइट कर लीजिए बुक में अपनी। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपीज, कहाँ पे होती है, ये होती है कान में, फीमर होती है जांघ में और स्टेपीज होती है हमारी कान में। फिर हम बात करते हैं कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है क्या, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, मानव के सौंदर्य का, मानव की ब्यूटी का। अब देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है आपका 60-80% पानी हमारी बॉडी में पाया जाता है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि मानव रक्त, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होती है, तो रक्त की पीएच वैल्यू होती है 7.4। और इसी के साथ मैं आपके सामने एक चीज और ऐड करूंगा कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें जो ब्लड होता है, ब्लड की मात्रा कितना होती है, 5-6 लीटर। और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आपको चिपकाना चाहूंगा, जी हाँ, मतलब आपसे पूछना चाहूंगा, अब मुझको जरा एक चीज बताइए, अगर
कोई भी एक्सीडेंट केस होता है किसी के साथ में और उसकी बॉडी में से कंटिन्यू ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है, एक्सीडेंट होगा ब्लड निकलेगा, जल्दीबाजी में उसको हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाया जाता है, ब्लड कंटिन्यू निकल रहा है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि नर्स या फिर डॉक्टर उसके बॉडी में कौन से विटामिन का इंजेक्शन लगाएंगे जिसके द्वारा उसका ब्लड बहना रुक जाए, ठीक है ना। उस विटामिन की हमारी बॉडी में जो होती है वो लेवल इंक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी, खून जमना स्टार्ट हो जाएगा। इतना हिंट बहुत है, ठीक है ना। कहो तो विटामिन का नाम बोल दूं, नहीं बोलता, पता है मुझे इसके रिप्लाई आप बहुत जल्द करेंगे। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि लाल रक्त कण का, ठीक है ना, जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, वो होता है 20 से 120 दिन, और WBC का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन, ठीक है ना। RBC का 20 से 120 दिन और WBC का होता है 2 से 4 दिन। अब देखिए श्वेत रक्त कण को कहा जाता है आपका ल्यूकोसाइट, और जबकि RBC को कहा जाता है आपका एरिथ्रोसाइट। फिर हम बात करते हैं देखिए कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, जो मतलब कि किसी को भी क्या होता है कि डोनर मतलब डोनेट कर सकता है ब्लड, तो वह है ब्लड ग्रुप ओ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये चीज़ तो। लेकिन बात करते हैं कि ऐसा सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, देने वाला ब्लड ग्रुप ओ किसी को भी दे सकता है, लेकिन ए बी जो ये ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं वो किसी से भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ब्लड, इनको कोई इशू नहीं होता, ठीक है। डोनर सबको पता होता है लेकिन रिसीवर बहुत ही कम को पता होता है, तो आप ए बी पे भी ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं कि ब्लड बैंक कहलाता है क्या, स्प्लीन मतलब प्लीहा को बोलते हैं ब्लड बैंक, और पित्त मतलब इसको बोलते हैं बाइल, स्रावित होता है यकृत में, और उसके बाद में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत जिसको बोलते हैं लीवर, और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। अगर बात करी जाएगी आपसे अंग की तो वो है आपकी स्किन, जी हाँ स्किन पूरे शरीर के अंदर फैली हुई होती है आपकी, तो उसको बोलते हैं स्किन। अब हम बात करते हैं देखिए मानव के जो चैम्बर होते हैं, मनुष्य के हृदय होते हैं कितने, 4 कोष्ठीय, मतलब मानव का हृदय 4 ब्लॉक में बटा होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मूत्र का पीएच मान होता है वो होता है 6, और विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, और शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, देखिए सामान्य तापमान नॉर्मली हम कहते हैं कि हमको बुखार आ गया, थर्मामीटर हम लोग नापते हैं तो हम वहां पे कंफ्यूज होते हैं कि 98 नॉर्मल होता है, कितना होता है 98 तक हमको पता होता है, लेकिन एग्जाम में आपको एग्जैक्ट फिगर पता होनी चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन। तो ये तीनों फिगर में से कोई एक फिगर आपको एग्जाम में देगा, प्रायोरिटी रहती है 98.6 वाली प्रायोरिटी अधिक रहती है। अब लेकिन कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है, वो फॉर्मेट चेंज करेगा, वहां पर आपको देगा 310 केल्विन, याद रखना। तो तीनों ही आप याद कर लीजिए, कोई टैक्स नहीं लग रहा है इसमें, कोई GST नहीं लग रहा आपका भी याद करने के लिए, याद करो विदाउट टैक्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रम, इसको बोलते हैं परमस्तिष्क, और दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है आपका कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो बच्चों देखिए आज के इस वीडियो में हमने इतना सब कुछ देखा, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, थोड़ी बहुत जो खांसी वगैरह बीच में आई तो तबीयत थोड़ी सी नासाज है मेरी, और चलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने काम कर रहा हूँ आपके लिए, और आप प्लीज़ पढ़िए यार, मुझे बस कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए सर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, बम्पर धमाका है रेलवे का इस बार, और ढंग से स्टडी में लग जाओ बस केवल अब, ठीक है। इसी के साथ देखिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड तक शेयर करें, और एक लाइक का बटन तो यार प्रेस कर ही दो कम से कम, और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू में जो दिखाई देगी आपको बेल, उस पर क्लिक करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।